Does this evening. Our top focus, the much anticipated debate over no confidence motion moved by team INDIA is currently underway in the Lok Sabha. Congress MP Gaurav Gogoi, who began the proceedings from the opposition side, launched a scathing attack on Prime Minister Modi and the centre over Manipur crisis, inflation, Adani row and several other key issues. Questioning Prime Minister's silence on the Manipur crisis, Gaurav Gogoi questioned as to why it took over 80 days for the Prime Minister to respond over the violence and that too only for mere 30 seconds. He further accused the centre of dividing Manipur into two parts, alleging that Home Ministry has failed the violence-hit state. In response, BJP's first speaker for the debate, Nishikant Dubey, said, Congress is no one to lecture the BJP on certain issues, as all their former president was trying to do was save her son Rahul and Damad Robert Vadra from one charge or the other. Now, TMC MP Saugata Roy, speaking during the no-confidence motion, accused the central government of being heartless for sending delegation to West Bengal on any plea but not in Manipur. Meanwhile, INDIA MPs continued to demand the resignation of Manipur Chief Minister Biren Singh. The much-anticipated debate over no-confidence motion moved by Team India is currently underway in the Lok Sabha. Congress MP Gaurav Gogoi, who began the proceedings from the opposition side, launched a scathing attack. Let's listen in. सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर नहीं गए कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द ना कोई शांति की याचना. प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं. क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं. इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं. मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार. अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो. पहले आप लोग जाओ. सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा. दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं. क्या हो रहा मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में हैं. लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं. कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है? पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते. अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते. मौन रहना पसंद करते हैं. और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे. जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री मौन थे. जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे. इन पर जब हम चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया
कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितना आए, कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था इन ए वेरी वेरी रॉन्ग मैनर। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में, सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं। और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त G20 का अध्यक्षता भी भारत कर रहे हैं और हर एक राज्य में G20 का बैठक भी चल रही है और पूरा देश भारत के कोने कोने में जितने लोग बसे हुए हैं और भारत के बाहर भी जितने भारतीय लोग हैं, ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं। और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने के जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सर, मैं 2004 से इस सदन का सदस्य होने के नाते मैंने कुछ दृश्य देखा है और हम जब वहां बैठते थे ऑपोजिशन के रूप में और कांग्रेस पार्टी 2004 में 145 सीट जीत के आई थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 138, हमारे पास थे 145, कांग्रेस के पास थे और सिर्फ 7 सीट का फर्क था। 14वीं लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी जो टोटल लेफ्ट फ्रंट है उनका संख्या 63 थे और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई UPA 1। और उस समय हमने देखा है, आज हम लोगों कहते हैं कि हम लोग अपना दल एनडीए दल को पूछते नहीं, इज्जत नहीं देते हैं। हमने ये दृश्य देखा है, यहाँ जो वरिष्ठ बैठते थे कांग्रेस के, उनके पास 145 होने के बावजूद भी वो बिहेव, उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे उसके पास 450 सीट से भी ऊपर है। जब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से ऑब्जेक्शन करते थे तब भी कम्युनिस्ट पार्टी को इंसल्ट करते थे, तुम जो बोलना है बोलते रहो, हम जो करना करेंगे। और आज TMC के जितने मेंबर यहाँ बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस समय TMC के नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी अकेले जीत के आई थी और वहाँ इस सीट में जहाँ मेहताब जी बैठे हैं वहाँ पे ममता जी बैठी थी और उन्होंने कुछ अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहाँ जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहाँ तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोक जो हुई और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहां सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका कि इस तरह का लोकसभा में आपके संख्या बल पर एक महिला सांसद को इस तरह से आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। आज ममता जी शायद याद नहीं करते होंगे या उनके TMC वाले संख्या थोड़ा बढ़ गई तो शायद उनमें कुछ वो अलग सा उसका व्यवहार में बदल गए तो वो उनका भाषा भी बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चीजों को भूलते नहीं हैं। सर, आज हम लोग
जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का बड़ी जो आर्थिक शक्ति जितने भी है, जो बड़े इकोनॉमीज है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में इंडिया नंबर वन है, तो ऐसा में कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे, ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सर, मैं मेरा कुछ जो तथ्य रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि आज गौरव जी बोलते बोलते उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, इसलिए मैं कुछ बातें वहीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जब 2014 में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके पहले का परिस्थिति का थोड़ा समझिए। मैं इस सदन में पीछे बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके हम उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, दो बार प्रधानमंत्री बने, कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया। एक दो बार औपचारिक कार्यक्रम के लिए गए होंगे, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था, लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, पॉपुलेशन के दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं होते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे वहां के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का संख्या भी कम है। कांग्रेस पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे, तो उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के एमपी आपके पास, नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर आपके पास एमपी कम है, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ दो ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं, आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फकर के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से दो कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री है, और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए, माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए, आज हर एक भारत का हर एक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां
मैते कम्युनिटी और चीन कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मैं आज वायलेंस के लेकर के पूरा डिटेल में नहीं कहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री जी जब इंटरवेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली वो इस बात को कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का जो परिस्थिति है उसको बताना चाहता हूं। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ, और आपको यह समझना पड़ेगा 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल में आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछले 9 साल के अंदर में 8,000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। कितने पिन का जो घटनाएं होते थे, 81% उसमें कमी आई है, और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा उसमें 97% गिरावट आई है, और सिक्योरिटी पर्सन जो ऑपरेशन करते थे उसमें मारे जाते थे उसके संख्या में, मृत्यु के संख्या में 90% का कमी आई है। इंसर्जेंसी टोटल जो इंसिडेंट में 76% का कमी आई है, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में जब नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का उत्पन्न हुआ, उसको नियंत्रण करने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का आप लोगों ने इस सदन में पारित करके लागू किया था। आज मैं बहुत ही संतोषजनक आपको बताना चाहता हूं कि आज आसपा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हमारे असम और अरुणाचल के पूरे बाउंड्री का 20 किलोमीटर अरुणाचल साइड, 20 किलोमीटर आसाम साइड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का लागू किया था। आज पूरा का पूरा अरुणाचल असम के जो सीमावर्ती इलाका है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पूरा हटा दिया गया है। सिर्फ हमारे अरुणाचल के जो पूर्व के 3 जिले हैं, जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, वहां पे कुछ पुलिस स्टेशन बचे हुए हैं, बाकी सब हटा दिया गया है। असम में अब आसपा नहीं है, त्रिपुरा में आसपा नहीं है, मिजोरम में नहीं है, सिक्किम में पहले से नहीं था, अब नागालैंड के कुछ जिले और मणिपुर के कुछ जिले में सिर्फ बच के रह गए हैं। तो आप लोग जब इस तरह का मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन करना आवश्यकता होता है, वरना इस देश का महान संसद में बैठ करके गलत बयानबाजी करने से गलत मैसेज जाता है और देश को गुमराह करने से आपको क्या फायदा। आखिर तो हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जब मैं तो पहला जो हमारा एनडीए का सरकार फर्स्ट टर्म बनी, उसी समय से मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूं। पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि हरेक 15 दिन में 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हरेक 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है, और अभी भी चल रहा है। अभी यहां जितने मंत्री बैठे हैं सब ने लगातार गए हैं, वो भी वहां प्रदेश का, वहां राजधानी सिर्फ सीमित नहीं, दूर दराज गांव तक दौरा होता है और लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। यही नहीं, अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया गया है
सीनियर से सीनियर सेक्रेटरी लेवल से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर भारत सरकार में काम करने वाला नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। दिल्ली से हुकूमत करने का कोई मतलब नहीं होता है, जन जन सेवा जन भावनाओं को समझते हुए काम करने से तब लोगों तक तो पहुंच पाते हैं। तो ऐसा आप लोग ने पिछले 66 साल में आपने सोचा ही नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं का तो दूर है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के साथ पूरे दिल से दिल जोड़ते हुए आज लोगों का विश्वास जीता है। यही प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबको लेकर के एक टीम होकर के कल ही प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि अब नॉर्थ ईस्ट को हम नए फेस डेवलपमेंट में ले जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ग्रोथ इंजन बनेगा। इंडिया का जो सपना पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का भी बड़ा योगदान होगा। 2004 में तो मैं एमपी बना, लेकिन उसके पहले मैं स्टूडेंट थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं यहां छात्र के रूप में पढ़ते थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में लोग जानते नहीं थे। हमारा यहाँ पे कई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट को जानते होंगे अब तो। उस समय परिस्थिति बहुत खराब था और मुझे भी पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बताता था मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो भी नहीं पता था कि अरुणाचल है कहाँ। मैं जब पहली बार यहाँ जीत के आए संसद में, तब भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूछते थे कि ये अरुणाचल किधर है। ये हालत था उस समय का। केंद्र में जो मंत्री थे उनको पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कितना स्टेट है, वो 8 स्टेट का नाम भी नहीं बता पाते थे। जब मंत्री का वरिष्ठ अधिकारी का ये हालत है तो आम जनता जो सड़क पे बैठते हैं, मार्केट में, गांव में बैठते हैं, उसको कैसे पता होगा। जो संचालित करते हैं सरकार को, उनको ही नहीं पता था। और उस समय जब कुछ घटनाएं होते थे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, तो उसमें जो परिस्थिति बहुत गंभीर थे। अध्यक्ष जी, आपको, क्योंकि आप भी हम लोग साथ में थे, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। जब यहां देखिए, पर्सनल झगड़ा किसी दो व्यक्ति का बीच में हो सकता है, वो मैं मना नहीं करता हूं, और नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से भी अगर गलती भी हो जाता है तो भी मैं मना नहीं कर सकता, गलती होता होगा, जिसका गलती है उसको सजा देंगे। लेकिन जो उसमें प्रोफाइलिंग या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो बात होते थे, उस समय दिल्ली और मेजर शहरों में कॉलेजों में जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते थे, उसके साथ बड़ा जुल्म होता था और कोई व्यवस्था नहीं था उसको ठीक करने के लिए। देश का राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के कई बच्चे के साथ में जुल्म हुआ, कई लोगों को मार दिया गया है। मारने के बाद केस को भी रफा दफा कर देते थे। लेकिन कहानी बदल गई 2014 के बाद। 2014 के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मैं उनके साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में, हम लोग को पूरा याद है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस हुए थे गुवाहाटी में, पहली बार आजादी के बाद देश का डीजीपी कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बाहर लेकर के गुवाहाटी में मीटिंग कराया 3 दिन, और उसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ किस तरह से अच्छा सुरक्षा प्रदान करे, इसके बारे में एक बात रखा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर में हम लोग ने एक स्पेशल व्यवस्था कराए और नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्यों से लगभग 1000 लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। आज दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिस स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के लड़कियां वह तैनात हैं, और स्पेशल पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से अलग से एक ऑफिस खड़ा किया, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर को दायित्व दिया। इसलिए आपने पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई बड़ा घटना हुआ है आपने सुना नहीं है। ये होता है प्यार, ये होता है चिंता नॉर्थ ईस्ट के लोगों का। आप क्या क्या बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक एमपी अपना ही रीजन के बारे में इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री करते हैं, कम से कम उसका धन्यवाद तो एक सेंटेंस में बोल सकते थे। राजनीति में इतना भी नहीं डूब जाना चाहिए कि आप अंधे बन जाएंगे।
कम से कम जो अच्छा काम किया है उसका उसका तो जिक्र होना चाहिए। अभी कई मैं तो बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, जैसे युवा संगम, नॉर्थ ईस्ट के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और देश में जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बीच में युवा संगम का कार्यक्रम चल रहा है। यहां से बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं स्पेशल ट्रेन से, और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोजर ट्रिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना रख करके प्यार मोहब्बत से बहुत कुछ एक साथ कैसे हम जी सकते हैं, देश को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं। अच्छा चर्चा हो रहा है, मैंने रिपोर्ट दिया है बहुत अच्छी तरह से, आज इसका युवा संगम का कार्यक्रम चल रहा है। और इंटीग्रेशन, देश को एकजुट रखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे तमिल संगमम का प्रोग्राम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट को गुजरात से जोड़ने के लिए रुक्मणी श्री कृष्णा का जो स्वयंवर को फिर रचना करके हर साल माधवपुर गेर में वहां बड़ा मेला होना, कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग महसूस करते हैं, और इस महान सदन में मैं बताना चाहता हूं, आज आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद नॉर्थ ईस्ट का हर एक जन कहते हैं प्राउडली फक्र के साथ कि मैं भारतवासी हूं। All right, we're going to keep a close eye on that, but for the moment, slipping in a short break on Mirror Live. Lots more coming up on the other side. Stay with us.